नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉबी देओल की सुपरहिट फिल्म बादल में उनकी बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मयूरी कांगो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। साल 2000 में आई बादल में उन्हें खूब पसंद किया गया। वो काफ़ी खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। मयूरी कांगो ने साल 1995 में आई फिल्म नसीम से डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म पापा कहते हैं और होगी प्यार की जीत से। इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने लीड रोल निभाया, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। जब मयूरी को पहला ब्रेक मिला तब वो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। मयूरी को आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2001 में देखा गया। उनकी फिल्म जीतेंगे हम आई। इससे पहले उन्होंने महेश बाबू संग तेलुगु फिल्म वामसी में काम किया। बड़े पर्दे पर उन्हें खास सफलता नहीं मिल पाई। रिपोर्ट के मुताबिक मयूरी कांगो ने कुल 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने टीवी पर भी हाथ आजमाया। नरगिस, थोड़ा गम थोड़ी खुशी, किट्टी पार्टी जैसे सीरियल्स में काम किया, लेकिन यहाँ भी सफलता हाथ नहीं लगी। मयूरी कांगो की इसी बीच NRI आदित्य ढिल्लन से मुलाकात हुई। दोनों को प्यार हुआ और दिसंबर 2003 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वो अमेरिका में शिफ्ट हो गईं। यहाँ उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA की पढ़ाई की। दैनिक भास्कर के मुताबिक मयूरी कांगो ने साल 2004 से 2012 तक अमेरिका में ही जॉब की। साल 2011 में वो माँ बनी, उनका एक बेटा कियान है। साल 2013 से वो भारत में ही रहने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक मयूरी कांगो ने भारत में शिफ्ट होने के बाद एक फ्रेंच एडवर्टाइजिंग पब्लिसिस ग्रुप कंपनी परफॉर्मिक्स में काम किया। मयूरी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। मयूरी कांगो को साल 2019 में एक बड़ा मौका मिला और वो गूगल इंडिया से जुड़ गई। मयूरी गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड बन चुकी हैं। लिंक्डइन पर उन्होंने खुद को पैशनेट मार्केटर बताया है। वो डिजिटल मीडिया और इससे जुड़े नए अपडेट और अवसरों से सजग रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मयूरी कांगो के बारे में ये दिलचस्प जानकारी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।